15 मार्च को बांदा जिले के तिंदवारी ब्लॉक स्थित बेदा गांव के पिंटू सिंह का परिवार बाजार से वापस हो रहे थे। माटा गांव में इनके ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 बुरी तरह से घायल हैं। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये माटा के बीच में कितने लोग थे टेम्पो में? टेम्पो में कम से कम 7 लोग थे। मतलब यहाँ पर हमारे भाई एक शादी हो रही थी, तो उसी कपड़ा वपड़ा खरीदने गए थे, कुछ घर का सामान भी खरीदने गए थे, अपने लिए मम्मी और चाची लोग अपने लिए साड़ी खरीदने भी गए थे। कहाँ से कहाँ गए रहे हैं? तिंदवारी जा रहे थे बाजार करने, तो वहाँ से लौटे हैं, तो एक ट्रक आ रहा था, उसमें एक कंट को बैठा था, दारू पी के चला रहा था, तो आया तो आगे से मारा उसमें ठोकर टेम्पो में, तो टेम्पो पर घूम गई है, वहाँ चली गई है गिट्टियों की तरफ। तो सभी घायल हैं कि बच गए हैं? कोई सब घायल हैं। तो उन लोग कहाँ हैं? बांदा में आगे कान दोनों कान में। हम मार्केट से अपने से जितने टेरे के हैं सवाल लेवा के हम आ रहे थे, तो इधर शहर फतेहपुर साइड से ट्रक 10 टेरा, जब हम पूरे माटा निकल के मोड़ में नहीं आ गए, तो इधर अपनी साइड से आ रहे ये अपनी साइड से आ रहे ठेलावाल, जब बराबर में आ गए पास कैसे पहले आगे से भेरना चाह रहे, तो अचानक इसने इधर को गाड़ी काट दिया, फिर जब बराबर से आके फिर अचानक बीच में हमारे मारा है गाड़ी, तो गाड़ी गई है हमारी पलट और ठेला उधर कोई घुस गया अंदर और जाके पैर में लड़ गया, फिर हमें कोई होश नहीं, पलट गई गाड़ी। तो आप इलाज कहाँ से करा के लाए? पहले बांदा गए थे, बांदा से डॉक्टर जो है 1 बजे रात्रि में रेफर किया कानपुर के लिए, कानपुर लेके गए, कानपुर में जो है इनका एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद इनको बताया गया कि इसका ठीक है, सिर्फ चोट है सिर्फ छाती में, इसको ले जा सकते हैं, जो कोई खास दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए दवा दिया, मतलब मेडिकल से लाने के लिए कहा, मेडिकल से लाके रिफर ले जा सकते हैं, घर लेके चले गए। हालांकि 3 आदमी भर्ती है, 2 महिला 1 पुरुष, पिंटू सिंह भर्ती है, पुष्पा सिंह भर्ती है। तिंदवारी थाना के अनुसार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मालिक अभी फरार है। इनके खिलाफ धारा 229, 337, 338 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।